नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए आर्मी चीफ ने कहा है कि सरहदें सुरक्षित रहेंगी तभी देश तरक्की करेगा। तो नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए आर्मी चीफ ने कहा कि सरहदें सुरक्षित रहेंगी तभी देश तरक्की करेगा और सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे। और फिलहाल ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर देश के पहले CDS बनेंगे जनरल बिपिन रावत, और इसी दौरान सेना तीनों सेनाओं के जरिए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां पर दिया गया। तो आज देश के पहले CDS का पदभार उन्हें संभालना है। कल ही सेना प्रमुख के पद से उन्हें वो रिटायर हुए हैं और ऐसे में अब कुछ ही देर में वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। जो भी औपचारिकताएं हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं पूरी की जा रही हैं। तो साउथ ब्लॉक में ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया है। CDS का पदभार आज यहाँ पर वो संभालेंगे और आप देख सकते हैं जैसे कि तस्वीरों में मीडिया ने सभी अपने कैमरे और माइक्स लगा दिए हैं क्योंकि कुछ ही देर में देश की पहली CDS बिपिन रावत यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे। किस तरह की चुनौतियां होंगी, किस तरह की जिम्मेदारी उनके सामने होंगी और प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली हैं, इनका जिक्र उनके जरिए किया जाएगा। तो CDS का पदभार कुछ ही देर में संभालेंगे जहां पर तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय तालमेल जो है वो यहां पर बिठाने की पूरी कोशिश इनकी रहेगी। जो भी आगे रणनीति रक्षा को लेकर रहने वाली है, देश की सुरक्षा को लेकर रहने वाली है रणनीति, उसको यहां पर रक्षा मंत्री के जरिए साझा किया जाएगा। यानी कि एक समन्वय पूरी तरीके से बैठाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि करगिल युद्ध के बाद ये कहीं ना कहीं देश में ऐसा सोचा गया, ऐसा विचार किया गया, ऐसी जरूरत CDS को लेकर समझी गई कि कहीं ना कहीं करगिल के वक्त पर तीनों सेनाओं के बीच में अगर बेहतर तालमेल होता, बेहतर समन्वय होता तो जो नुकसान हुआ उस दौरान वो शायद उतना ना होता। और ऐसे में तब से लेकर अब तक जो मांग और एक जो जरूरत महसूस की गई थी वो चल रही थी, लेकिन अंत में इस साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से CDS को बनाने की यहां पर बात कही, कहा कि पद जल्द ही बनेगा। और तब से लेकर अब तक चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म था। कहा जा रहा था कि एक इस पद के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए उसको एक कर्मठ होना चाहिए और ऐसी समझ होनी चाहिए जो कई ऑपरेशंस को और एक बेहतर तालमेल जो रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच बनना चाहिए वो बना सके। और ऐसे में एक जो सबसे पहले प्रबल दावेदारी, जो सबसे पहले नाम सामने निकल कर आया वो जनरल बिपिन रावत का ही नाम था। तो ऐसे में तब से लेकर अब तक ये नाम छाया रहा और अंत सोमवार को ये औपचारिक ऐलान रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया कि देश के जो पहले CDS होंगे वो जनरल बिपिन रावत होंगे। तो 3 साल का ये उनका कार्यकाल होगा। बता दें कि 2016 में वो सेना प्रमुख बने थे, कल ही वो सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं और 62 साल जो कि उम्र की सीमा होती है किसी पद के लिए। ऐसे में CDS को लेकर यहां पर कहा जा रहा है कि 3 साल इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 62 से लेकर 65 कर दिया गया है। ऐसे में 2023 तक जनरल बिपिन रावत CDS के पद पर बने रहेंगे। तो कई नियम भी आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से CDS को लेकर यहां पर रखे गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेना प्रमुखों के, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ एक फोटो सेशन यहां पर हमने देखा जनरल बिपिन रावत का। और ये जो पूरी प्रक्रिया है CDS का पदभार ग्रहण करने से लेकर पूरी वो यहां पर की जा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर तीनों सेना प्रमुखों के जरिए यहां पर दिया गया है, तीनों सेनाओं के जरिए यहां पर उन्हें दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से जो रूपरेखा, जो औपचारिकताएं रखी गई हैं
वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सेना लेवल के, वो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और देश के लिए गौरवान्वित मौका है क्योंकि सीडीएस को लेकर जिस तरह की कमी देश में महसूस की जा रही थी, वो अब कहीं ना कहीं कमी जो है खत्म होगी क्योंकि एक बेहतर समन्वय यहाँ पर बनाया जाएगा। देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर ये पद बेहद ही यहाँ पर महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। तो करीब दो दशक से ये आपको बता दें मंथन चल रहा था सीडीएस को लेकर, लेकिन अब जाकर सरकार ने इस पद का गठन यहां पर कर दिया है और देश के पहले सीडीएस यहां पर जनरल बिपिन रावत होंगे जो कुछ देर में अपने पदभार को ग्रहण करेंगे। लेकिन पदभार ग्रहण करने से पहले आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत वॉर मेमोरियल पहुंचे कल, जब सेना प्रमुख के पद से वो रिटायर हुए थे उससे पहले भी वो वहां पर पहुंचे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। और अब जब आज एक महत्वपूर्ण पद को, एक बड़ी जिम्मेदारी को वो निभाने जा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी उन्होंने वॉर मेमोरियल का रुख किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सैन्य विभाग का ऐलान किया गया और इसी की अगुवाई जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस ही करेंगे और इस विभाग के अंतर्गत जो है वो तीनों सेना काम करेगी। सीडीएस का जो मुख्य काम है, जो मुख्य जिम्मेदारी है, वो सेनाओं के बीच, तीनों सेनाओं के बीच एक बेहतर तालमेल को स्थापित करना है। हम उधर नहीं जाएंगे, हम इस साइड रहेंगे और पहले भी किया था सर को बोल भी। तो कई कर्तव्य यहाँ पर सीडीएस के लिए दिए गए हैं, कई नियम यहाँ पर दिए गए हैं, एक दायरा भी यहाँ पर सीडीएस के बनाया गया है कि उनके लिए क्या क्या दायरा होगा, किन किन चीज़ों को लेकर वो काम करेंगे और किस तरह से रक्षा मंत्रालय के से वो एक बेहतर संबंध जो है वो स्थापित कर तीनों सेनाओं के साथ यहाँ पर एक बेहतर तालमेल को बनाएंगे। तो कल ही सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं और अब सीडीएस का पदभार आज संभालेंगे। यू ऑल एंड योर फैमिलीज एंड ऑल द मीडिया हैव अ स्प्लेंडेड 2020। सर सीडीएस का पदभार संभाल लिया है आज, प्राथमिकता क्या होने वाली है, क्या पहला आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहां तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। वेल आई वुड से इट इज पॉसिबल, आई कांट जस्ट से दैट फ्रॉम नाउ ओनली यू नो यू गिव अप।
इफ द गवर्नमेंट हैज सेट 3 इयर्स देयर मस्ट बी सम थॉट व्हिच हैज बट गॉट बिहाइंड दैट एंड वी विल स्ट्राइव टू अचीव दैट इन 3 इयर्स व्हाई शुड बी नॉट व्हाई शुड बी एट द वेरी बिगिनिंग ओनली से इट इज नॉट पॉसिबल आई हैव नेवर सेड एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल सर क्या कहेंगे सर एलसी पर दो जवान फिर से शहीद हुए पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीयूके पर इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त सर जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे सर सीडीएस हैज आल्सो बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्राई सर्व एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विसेज अंडमान निकोबार कमांड एंड द 3 न्यू एजेंसीज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड सो सर विद दिस अपॉइंटमेंट नाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट द ऑल फ्यूचर ऑपरेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस वुड सी मोर जॉइंटनेस वुड सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम 3 सर्विसेज टुगेदर एयर चीफ मार्शल धनोआ के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी जो 3 जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सर आई थिंक से अगेन आई देखिए उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते ऐसा होता है आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं सर सीरियस सीरियस से संबंधित एक काम है व्हाट विल बी योर इनपुट टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेस हाउ विल यू कंट्रीब्यूट वेल यू आर पार्ट ऑफ इट दैट्स इट सर ये परसेप्शन है सो वन ऑफ योर मैंडेट्स इज थिएटराइजेशन बट द एयर फोर्स हैज ट्रेडिशनली बीन अपोज्ड टू थिएटर कमांड्स इंक्लूडिंग एयर चीफ धनोआ एंड सेवरल प्रीवियस चीफ्स हाउ विल यू गो अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस टू गो इन फॉर थिएटराइजेशन You see, I think there are methods of doing theatrization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work. So, जो सर तीन नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है आपको मैं कहना चाहूंगा उस पर काम चल रहा है उसको अगर और तेजी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था आपके अपॉइंटमेंट के बाद वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी देखिए जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी जनरल रावत हाउ डज इट फील टू बी इंडियाज फर्स्ट सीडीएस मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस व्हाट डज इट फील लाइक व्हाट डज दिस मोमेंट फील लाइक माय हेड इज फीलिंग लाइटर बिकॉज आई हैव हैड टू टेक ऑफ दैट यू नो द सो कॉल्ड एंगल्ड गोरखा हैट व्हिच आई हैव बीन वेयरिंग फॉर 41 इयर्स आई हैव कम बैक टू द पीक बिकॉज दिस पीक कैप दैट आई एम वेयरिंग इज टू से दैट वी आर नाउ न्यूट्रल द सीडीएस विल रिमेन न्यूट्रल He will be neutral to all the 3 services within his own service, and therefore my head is suddenly feeling lighter. तो सीरियस का पदभार यहां पर जनरल विपिन रावत संभालेंगे लेकिन उससे पहले देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं उनके जरिए दी गई हैं कहा गया है कि मेरा मकसद तीनों सेनाओं को एकजुट करना होगा जो कि जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वहीं तीनों सेनाएं एक टीम की तरह यहां पर काम करेंगी तो संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल यहां पर करना होगा ये कहना है सीडीएस का तो देश के पहले सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये तमाम बातें की हैं जैसे पहले साउथ ब्लॉक में उन्हें तीनों सेनाओं के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया